हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्री पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करते हैं। पिता दिन भर उपास रहने में सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। बीमार चंगे हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, घरों में सुख शांति आने पाए, अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बुरी आत्माएं बाहर जाए, घरों में सुख शांति आने पाए, कर्ज के बंधन और नशीली वस्तुओं से छुटकारा मिलने पाए, सुख की सामर्थ्य नाम में आमेन। प्रेज़ टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ रात के इस फास्टिंग प्रार्थना के सभा में। आमेन। मेरे पियो, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे भूल गया है, मेरे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आज की संध्याकालीन आपसे कहना चाहता हूँ, वो हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। उसका नजर 24 घंटा हमारे ऊपर है। जैसा कि यशायाह 49 अध्याय के 15 वचन में कुछ यूं लिखा है, क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकती। मेरे पियो, परमेश्वर का वचन अटल है। ये पहाड़ और ये पहाड़िया टल सकती है, वहां से हट सकती, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ शब्द एक इंच ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। उसने जो कह दिया सो कह दिया, वो तुम्हारे जीवन में पूरा होकर रहेगा। एक वचन ही काफी है तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, तुम्हें अपनी आंसुओं से भरने के लिए, तुम्हें फलवंत करने के लिए। एक वचन ही काफी है, उससे हमें आशीष पाने। हालेलुया। उन वचनों पर हम विश्वास करने वाले हो जाए, वो वचन हमें अनंत महिमा पहुंचाने के लिए तैयार है। इस संसार के शैतान के जालों से हमें आजाद करके हमें स्वर्ग राज्य में बैठाने के लिए तैयार है। एक वचन काफी है। हालेलुया। ओ रिसिखरे भी, बहुत से लोग मैं अभी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर मेरे पर ध्यान नहीं करता, मुझे भूल गया है, मेरी दशा पर दया नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे पियो, मैं कहना चाहता हूँ, पहला पत्रस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम भूल सकते हैं उसे, लेकिन वो हमें नहीं भूल सकते। हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। तो हम विश्वास में योग बने रहे, विश्वास में हम चलते रहे, प्रभु के वचन को हम थामे रहे और मसीह में हम जड़ पकड़ते जाए, हम मसीह में बलवंत होते जाए। जब हम मसीह में बलवंत होंगे, हम आशीष पे आशीष हम पाते जाएंगे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाएं, इस उपास प्रार्थना में परमेश्वर अद्भुत कार्य को आपके जीवन में प्रकट करने ही चाहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं यह सुंदर समय के लिए। पिता, दिन भर पिता कार्य मंगवाई के आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, और प्रभु जी एक सुंदर समय को दिया पिता हमारे जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और आपके नाम से हर एक को हम आशीष करते हैं पिता। जितने लोग उपास में रुके हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की परेशानियां इनके जीवन से बाहर जाए, इनकी जंजीरें टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए और हर एक दुखों का पिता इनके जीवन में अंत हो जाए पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं। जो अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं पिता जकड़े हुए हैं, जकड़े बैठे हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, ये उद्धार को पाने वाले हो जाए, ये छुटकारे को पाने वाले हो जाए पिता। हर एक अधिकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इसी समय मिरेकल हो जाए, इसी समय आरिशय क्रम प्रकट हो जाए। हर एक अधिकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता। इसी समय हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ आबा राबा सिखा राबा भूलाबा रिकराबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक अंधकार की आत्मा, नशे की आत्मा इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, पूरे विचार, पूरे विचारों की बातों से ये बाहर निकलने पाए पिता। अपवित्रता से फिर के पवित्रता के ओर ये जीवन जीने वाली हो जाए पिता। इनके हृदय, इनके मन के ऊपर आपका कब्जा होने पाए और हर एक अंधकार की आत्मा, नशे की आत्माओं से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। ओ आबा राबा सिखा
रबा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक का हृदय मन फिरने पाए, हर एक अधिकार की आत्माओं से, नसी की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से पिता ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले, ऐसे अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए, अंधकार की आत्माओं से, नसी की आत्माओं से आप इन्हें आजाद कीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आज के उपवास प्रार्थना में मैं इन्हें आशीष की घोषणा करता हूँ। टीम भर संभाला, अपनी दुगनी सामर्थ्य से भरपूर किया और अपनी उपस्थिति में बैठने के उपास प्रार्थना में एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता और आपके नाम से हर एक को मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूटे, मार्ग खुले, सारी चिंता परेशानी इनके जीवन से बाहर जाए, इनके रास्ते खुल जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए पिता। जितने लोग निराशा में बैठे हैं, निराशा पर इनके जीवन से दूर हो जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता परमेश्वर। ओ ऋषि फिर भी हर पिता परमेश्वर जो दुख को भेजने वाली बात इनके जीवन में है वो सब बात इनके जीवन से निकल जाए। वचन कहता है मैं निकटांत की भरपूरी है। प्रार्थना करो, वचन को अध्ययन करो, प्रभु आपके हृदय में, यस प्रभु आपके हृदय में अपनी आंसुओं से आपको भरेगा, आपको दुखों से निकाल कर आनंद की दरिया में ले जाएगा। जहाँ सुखदायक झरने बहते हैं परमेश्वर वहाँ आपको ले आकर बैठाएगा। पिता आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता आपके नाम से। उपास प्रार्थना में मैं इन्हें आशीष की घोषणा करता हूँ। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें पिता और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत दायित्व से उपयोग करें पिता। जिनका आज पिता पथड़े है, जन्मदिन है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जन्म से कभी तक आपने संभाला, एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये नया साल नई आंसुओं का साल ठहरने पाए, ये नया साल आगे बढ़ने का साल होने पाए हर एक क्षेत्रों पिता। इस नए साल में आशीषित हो जाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता। जिनका साल गिरा है पिता, जब से आपने जो अब तक आपने संभाला और एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। इस नए साल में हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। इस नए साल में पिता ये आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इस नए साल में इनके जीवन में प्रकट हो जाए। रीमे ऋषि रेबे रेतम जयम यीशु के नाम। इस नए साल में मैं इन्हें आशीष की घोषणा करता हूँ और हर एक क्षेत्र में अपनी आंसुओं से भरपूर करें, इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में इस नया साल में पिता प्रकट हो जाए। हर एक को अपनी आंसुओं से भर दीजिए। बीमार है पिता, आपके नाम से चंगे हो जाए। ये उपास प्रार्थना इनके इनके परिवार के लिए आशीष कांड ठहरने पाए। जितने लोग उपास में रुके हैं पिता, अपनी 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 सामर्थ्य अपनी आंसुओं से भरपूर कीजिए। इनकी प्रार्थना का उत्तर ओ प्रभु जी स्वर्ग से आप देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके नाम से। हम इन्हें आशीष करते हैं, फलवंत करते हैं, इन्हें आगे बढ़ाएं और अपनी आंसुओं से भरपूर करते जाएं, यही प्रार्थना करते हैं। आए मेरे प्रिय विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिफा चंगाई और आशीष से देने जा रहा है। बीमार लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बीमारियां छोटी हो बड़ी हो, सालों से बीमार पड़े हैं, दवाई खा के थक चुके हैं, हॉस्पिटल चक्कर लगा के थक चुके हैं, मैं कह रहा हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपको और चंगाई देने जा रहा है। आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा। यस परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पिता। ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। बीमारियां छोटी हो बड़ी हो, नई हो पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। रसोली पत्री गिल्टिया गांठ यीशु के नाम में बाहर जाए। बीपी सूग और नमो हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए पिता, झुनझुनी कंपन मिर्गी छठ बीमारियां सभी बीमारी के शरीर से बाहर जाए। इसी समय मिरेकल हो जाए, आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए। ओ अबा राबा सिखा राबा यीशु के नाम ये चंगे हो जाए पिता। इनके हाथों पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हड्डियों का दर, नसों का दर, सारी कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से दूर हो जाए और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए और ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता। आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिर्फ चंगाई दे रहा है, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। बीमारियां छोटी बड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो यीशु के नाम में चंगाई हो रही आप पा रहे हैं। यीशु के नाम में आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकल रहा है, ब्लैक मैजिक कला जादू की तरह जो बीमारियां आपके शरीर में फेंका गया है, उसमें उस बीमारी के बंधन से आप में छुटकारे की घोषणा करता हूं। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ, हर एक बंधनों से आजाद हो जाओ, अंधकार की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजाद हो जाओ। कभी वो रिसिख रे भी हर एक बीमारी के बंधन से आजाद हो जाओ। इसी समय यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं।
बीमारियाँ पिता सालों महीनों दिनों से इनको कब्जा कर रखी है, वो बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, इनके हाथों पैरों में नया बल आ जाए, झुनझुनी कम पर मिर्गी छटके बीमारियाँ बाहर जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, थायराइड की बीमारियाँ बाहर जाए, चक्कर आने में बाहर जाए, सब सर्वाइकल मोतियाबीन काला मोतियाबीन सब इशू के नाम में गायब हो जाए इसी समय। ओ रिमेरे सिखे रिवे, जो सीने में दर्द है पिता दर्द बाहर जाए, पेट के दर्द से और हड्डियों का दर्द नसों का सब बाहर जाए, टखनों का बैक पेन सब इस शुक्र के नाम में बाहर निकलने पाए इसी समय मिरेकल हो जाए, इसी समय मिरेकल हो जाए, इसी समय आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपको फलवंत कर रहा है और हर प्रकार की बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। ये पिता चाहे हॉस्पिटल एडमिट हो, चाहे घर में हो, चाहे दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, असंभव संभव हो जाए, अंधे देखे, लंगड़े चले, पहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और इसी समय ये चंगे हो जाए पिता, इनके हाथों पैरों में नया बल आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए और आपके नाम से ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। इनके पेट की बीमारियाँ बाहर जाए, रसोली पत्री गिल्टियाँ गांठे यीशु के नाम में बाहर जाए और हर प्रकार की बीमारी के बंधन से ये आजाद होने पाए। विश्वास करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपको सिफा चंगाई दे रहा है, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, आपको बल पे बल और सामर्थ्य सामर्थ्य मिल रही है यीशु के नाम में। ऐसे समय ये चंगे हो जाए पिता, हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। जो एडमिट हॉस्पिटल में वहाँ से आजाद हो जाए, घर को आकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता, आपके नाम से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारी के बंधन से आपने आजाद किया, उस उपास प्रार्थना में इनके बंधनों को तोड़ दिया, बीमारी के बंधन से जो सालों महीनों से इनको कब्जा कर रखी है उस बीमारी के बंधन से आपने आजाद किया। उपास प्रार्थना में हम धन्यवाद करते हैं पिता, इनके घर में जो छोटे बच्चे बीमार हैं पिता, बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए, सुन नहीं पा रहे, हर एक को मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, वो बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए, सुन नहीं पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए, आपके नाम से ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, सारे कर्ज के जाले फटने पाए, हर एक कर्ज के बंधन टूटने पाए और यीशु के नाम इनका कर्ज चुकाया जाए। जो भी कर्ज इनके जीवन में है पिता, वो कर्ज यीशु के नाम में उतर जाए, कर्ज के जाले फटने पाए, बंधन टूटने पाए और हर एक कर्ज के बंधन से आजादी मिलने पाए। इसी समय हम आपके नाम से सारे कर्ज के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ रिसिखे रिबे, जो इनकी मेहनती कमाई पिता कहीं अटका है, कहीं फंसा है, कहीं दिए हैं पिता अभी तक नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता, जो इनका पैसा लेकर बैठा पिता उनका हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई देने वाले हो जाए, कंपनी MDO का मन हृदय मन फिरने पाए पिता, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हैं उनका मन फिर जाए और इनकी मेहनती कमाई आपके नाम से मिलने पाए, ऐसे आशीषों से आप इन्हें भरने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। विश्वास करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपको फलवंत कर रहा है। ओ हालेलुया, हर एक मेहनती कमाई जो रुका है परमेश्वर आपको दिलाने जा रहा है। जो कोर्ट कचहरी के बंधन में पड़े हुए हैं पिता, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, हर एक क्षेत्रों में इन्हें अपनी आंसुओं से भरपूर करें पिता, और इन्हें अपनी आंसुओं से भरपूर अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत दायस उपयोग करें। री मेरी सिख के रिवे, सारे कोर्ट कचहरी के बंधन से ये आजाद हो जाए पिता और आपकी बड़ी आशीष से प्रकट होने पाए, हम जय की घोषणा करते हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें घर की ब्लेसिंग मिलने पाए, उन्हें घर की आशा मिलने पाए पिता। ओ रिक्थम छयम, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इन्हें घर की आशा मिलने पाए पिता। जो भी लेने में रुकावटें बाधाएं आ रही हैं वो सब आपके नाम से दूर हो जाए और अपनी घर की आंसुओं से आप इन्हें ब्लेस करें, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें पिता और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें पिता। हम आपके नाम से इन्हें घर की आशीष की घोषणा करते हैं। जो किराए घर में पिता रह रहे पिता, साल बीत चुके हैं पिता, 5 साल 8 साल 10 साल अपने घर नहीं है इनके पास, मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं। जिनको जो किराए घर में रहते पिता, उनको अपना घर देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जिनके पास जमीन है पिता लेकिन घर बन नहीं पा रहे, आज उपास प्रार्थना में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए आपके नाम से पिता। और प्रभु जी अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए खुदाबन, और पिता इनका घर बनने में सहायता कीजिए, हर एक जोड़ते पूरी हो जाए, जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही है वो सब दूर हो
जाए पिता और आपके नाम से आशीष हो जाए पिता। इन्हें घर की आशीष दिया, नौकरी की आशीष दिया, बच्चे की ब्लेसिंग दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। हर एक को अपनी आंसू से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। रीमा रामा सिक्का राबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके कामों को सफल कर रहा है, आपके जंजीरों को तोड़ रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपको परमेश्वर फलवंत कर रहा है और आपको आगे बढ़ा रहा है और अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहा है। इसी समय पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। थैंक यू जीसस। ग्लोरी रीमा रासिका राबा रिकम जयम। जो पिता इस समय पिता निराशा में बैठे हैं, दुखों में बैठे हैं, इनका शोक आनंद में बदल जाए। जिन घरों में अशांति फैली है, राय झड़े की आत्माएं कार्य करे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इनके घरों में शांति और आशीष आ जाए पिता। और प्रभु जी मैं मिलाप किया तुम आ जाए, सारे मनमुटाव दूर हो जाए, शैतान के चाले ना सुने पाए। जो शैतान पिता ने घरों में पिता लड़ाई झड़े की आत्माओं को भेजा है, ब्लैक मैजिक और जादू टोने की तरह पिता लड़ाई झड़े की आत्माओं को भेजा है पिता, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक अंधकार की आत्माएं बाहर जाए ओ पिता, सारे मन मुटाव दूर हो जाए, लड़ाई झड़े की आत्माएं बाहर जाए। इनके घरों में शांति और आशीष से आज जाए यीशु के नाम में। मैं मिलाप की आत्मा आ जाए। जो तलाक खुद तलाक तक बातें पहुंच चुकी पिता, तलाक वाली बातें यीशु के नाम में टूटने पाए और हर एक तलाक वाली बात यीशु के नाम में बाहर जाए। रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, तो वे रिश्ते जुड़ जाए। मैं से कुछ भाई बहनों को देख रहा हूँ जो तलाक हो चुका है, परमेश्वर ने फिर से मिला रहा है। ओ हालेलुया, यीशु की सामर्थ्य नाम में ये पिता आशीष हो जाए पिता। इनके रिश्ते टूट चुके हैं लेकिन आप इन्हें फिर से जोड़ने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते। शैतान ने आपको अलग किया है लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको एक करने जा रहा है। इसी समय पर हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं यीशु के नाम में, ये आशीष हो जाए पिता। जितने लोग पास रुके हैं पिता आज, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें, इन्हें बलवंत करें, फलवंत करें पिता परमेश्वर। जिस विषय के लिए पास रुके हैं, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग हो जाए पिता और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। स्वर्ग से उत्तर आप दिन चार उपास प्रार्थना का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं पिता, आज के उपास प्रार्थना में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें, इन्हें पिता आशीष दे पिता, इनके सारे बंधन टूट जाए। और प्रभु जी जो बंधन है पिता, बंधन टूटने पाए, ब्लैक मैजिक प्रभाव ना सुने पाए और यीशु के नाम ही आशीष हो जाए। 2024-25 में आप इन्हें बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से मैं इन्हें आशीष करता हूँ पिता। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत आय से उपयोग करें। बच्चे की आशीष आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाएं, योग्यता से पढ़कर मांगने से अधिक आप इन्हें जॉब की आशीष देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता और आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें, ऊंचे पदों पर बैठाएं पिता। जो भी पिता रुकावटें बधाएं सब दूर हो जाए पिता, इन्हें फलवंत करें, इन्हें ऊंचे पदों पर बैठाएं, इन्हें आशीष प्रदान करें और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत दायस उपयोग करें पिता। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। रे सिखे रे भी ओ पिता, अपनी आंसुओं से भरपूर कीजिए, अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता, इन्हें अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता, बच्चे की ब्लेसिंग दीजिए पिता, सारे बंधन टूट जाए। जो पिता इनके बच्चों के इनके संतानों कुछ में बंधन है पिता, आगे बढ़ने में रुकावटें बधाएं आ रही है, उस बंधन को मैं तोड़ता हूं पिता। इनके बच्चों को मैं सफलता की घोषणा करता हूं, इनके बच्चे आगे बढ़ने पाए, फलवंत होने पाए पिता, हर एक क्षेत्रों में और सफलता की ओर बढ़ने वाली हो जाए। इन जिन भाई बहनों की शादी में रुकावटें बधाएं आ रही है, मैं उन्हें आशीष करता हूं पिता, उनकी शादी होने पाए, रुकावटें बधाएं सब आपके नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं पिता। और प्रभु जी इनको ब्लेस करें पिता, इनकी जो भी रुकावटें आ रही पिता सब बाहर जाए, बधाएं टूट जाए यीशु के नाम में और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। आपने इन्हें प्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते पिता। जितने लोग बाहर रहते पिता, काम करते पिता, जॉब करते, बिजनेस करते, पढ़ाई करते, जहां भी पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, इनको जॉब में प्लेस करें पिता, इनके जॉब में आशीष प्रदान करें, इनके बिजनेस को फलवंत करें पिता और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें प्रभु जी। जितने लोग पिता पढ़ाई कर रहे पिता, वहां उनके द्वार खुलने पाए पिता, पिया और पिज्जा की ब्लेसिंग मिलने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो, जो भी पिता परमिशन चाहिए सब आपके नाम से मिल जाए खुदा। ऐसे आशीष से आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, ये आशीष हो जाए पिता। घर परिवार के लोग जहां कहीं भी पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, ये प्रार्थना जिस घर में रहते हैं पिता देख रहे पिता, उस घर को आशीष कर, उस घर में फलवंत होने पाए, आशीष से आने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हर एक को अपनी आंसुओं से भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। चिंता परेशानी बीमारी दुख निराशापन इनके जीवन से बाहर निकलने और आपके नाम से ये आशीष हो जाए। अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत आय सुख।
सारे दुख निराशापन इनके जीवन से बाहर जाए, इनको अपनी आंसुओं से भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत दाय से उपयोग करें। ऐसे अनुग्रह आशीष से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए। पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। जितने लोग उपवास में रुके हैं इन सबों को आशीष दिए, इन सबों को फलवंत करिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता। जितने लोग अपने बीज को बोया है, भेंट दान दशमा डाले हैं, इन सबों को मैं आपके नाम से आशीष करता हूँ, फलवंत हो जाए, आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डालें, इनकी सारी समस्याएं आपके नाम से बाहर जाए, इमार चंगी हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। बुरे सपने बुरे विचारों से आजाद कीजिए, रात सुनिंदे सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें फलवंत करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा और हमें अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।